हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के बारे में, और बहुत ज़्यादा डीप में घुस के एयरक्राफ्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट अपग्रेड की बात करेंगे जो जो उसमें किए गए हैं उसे ब्लॉक 3 बनाने के लिए। उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अगर स्मॉल नंबर में एयरक्राफ्ट लेने हैं तो F-18 ब्लॉक 3 लेना क्यों ज़्यादा सेंस बनाता है रफाल के ऊपर। तो FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में जो रडार है वो APG-79 AESA रडार है, और ये जो रडार है वो बेटर है F-21 के सेबर रडार से जो कि ऑफर किया गया है भारतीय वायुसेना को। साथ ही साथ ये रफाल के RBE-2 AESA रडार से भी बेटर है। तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है 1 मीटर स्क्वायर RCS के लिए, यानी ये 3 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट्स को 200 से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पहचानने में सक्षम होगा, और 5 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट को 300 से 350 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक पहचानने में सक्षम होगा। तो ये जो रडार है ये कोई अपग्रेड नहीं है ब्लॉक 3 का, ये ब्लॉक 2 में ऐड कर दिया गया था। ब्लॉक 3 में जो अपग्रेड ऐड किया गया है वो है IRST सेंसर का। तो सुपर हॉर्नेट्स में पहले कोई इनबिल्ट IRST सेंसर नहीं था, ब्लॉक 3 में इसको अपग्रेड किया गया है और एक इंटरनल IRST सेंसर लगाया गया है जो गन बे है उसके नीचे। तो इंटरनल IRST सेंसर होने का फ़ायदा ये है कि आजकल जो एयरक्राफ्ट है उनका RCS काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, तो ये जो IRST सेंसर है ये टारगेट्स को लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के रेंज पर पहचानने में सक्षम है, और क्योंकि ये पैसिव स्कैनिंग करता है तो सामने वाले टारगेट को पता नहीं लगता है कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो जो स्टेल्दी टारगेट्स आजकल हो गए हैं जिनका RCS काफ़ी कम होता है, ये उनको ट्रैक करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, और जो ये बड़ी कमी थी F-18 सुपर हॉर्नेट में उसको ब्लॉक 3 में सुधारा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो IRST सेंसर है उसके बगल में एक और सेंसर है जो कि पार्ट है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का, जो कि पूरे एयरक्राफ्ट में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि जो एयरक्राफ्ट की स्पाइन है उसमें भी ये सेंसर को लगाया गया है, तो 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड कराते हैं इनकमिंग थ्रेट से। साथ ही साथ जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको भी 360 डिग्री बनाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट में लेज़र सेंसर भी लगे हुए हैं जो इनकमिंग थ्रेट से एयरक्राफ्ट को अवेयर कराते हैं। तो क्या होता है कि जब आप वेपन्स को कैरी करते हैं मिशन के दौरान तो जो आपका रडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ ड्रैग बढ़ जाता है, तो एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस होती है, मनवरेबिलिटी होती है, वो सब अफेक्ट होती है और कम हो जाती है, और जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है, जबकि जो आप चाहते हैं वो उसका एग्जैक्ट उल्टा है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए एक स्टेल्दी पॉड निकाला गया है जो कि ब्लॉक 3 के सेंटर लाइन पाइलॉन में लगता है। ये स्टेल्दी पॉड कैपेबल है कैरी करने के लिए वेपन्स को इंटरनली। तो ये जो RCS है उसको तो रिड्यूस करता ही है, साथ ही साथ जो ड्रैग है उसको भी रिड्यूस करता है। तो इस पॉड को लगाकर जो एयरक्राफ्ट की मनोरेबिलिटी है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती है, और ये उतने वेपन जो कि अपने विंग्स पे कैरी करता उसे इंटरनली कैरी कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन को समझें तो इसमें 4 AIM-120 AMRAAM मिसाइल्स आ सकती हैं, और 2 AIM-120 AMRAAM मिसाइल के साथ 2 500 LBS के लेज़र गाइडेड JDAM बॉम्ब्स भी आ सकते हैं। साथ ही साथ सिंगल 1000 LB का JDAM बॉम्ब भी कैरी कर सकते हैं, साथ ही साथ एक जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल भी कैरी कर सकते हैं जो कि ली जा सकती है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए, और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा एडिशन है, ये RCS को कम रखता ही है, साथ ही साथ जो ड्रैग है उसको भी कम रखता है। तो ये मिसाइल को कैरी करते हुए अपनी एरोडायनामिक परफॉर्मेंस के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए परफॉर्म कर सकता है, जो कि इसे बहुत बड़ा एज देने वाला है सामने वाले एयरक्राफ्ट के सामने जो कि अपने वेपन्स को अपने यूजुअल पायलॉन्स में कैरी करके लड़ाई में उतरा है। दूसरे और अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स यानी कि CFTs दिए गए हैं, जो कि करीबन 3000 पाउंड्स का यानी कि 1700 लीटर का फ्यूल कैरी कर सकते हैं। तो इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो करीबन 8000 लीटर्स की है, तो वहीं पर अगर CFTs को मिला दें तो ये अराउंड 10000 लीटर्स के आसपास हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ट्विन सीट वेरिएंट को होगा, जहाँ पर फ्यूल जो है वो कम हो जाता है एक और सीट को ऐड करने की वजह से, पर यहाँ पर उस कमी को कैटर करने के लिए आपके पास CFTs हैं।
तो जो नेवी है वो ज़्यादातर ट्विन सीट वेरिएंट्स को ऑपरेट करती है, क्योंकि शिप वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको वेपन सिस्टम ऑफिसर चाहिए होता है। तो CFTs के आ जाने के बाद जो फ्यूल कम हो जा रहा था वहाँ पर उसको केटर किया जा रहा है, तो जो रेंज है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। साथ ही साथ एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो इन CFTs के साथ है कि वो ज़ीरो ड्रैग ऐड करते हैं एयरक्राफ्ट पे, तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है, और जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स हैं वो कैरी नहीं करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन्स की। इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 है, पर ये EPE इंजन्स हैं जो कि एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करते हैं करीबन 20%। तो जो फुल आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट पैदा होता है वो करीबन 116 किलोन्यूटन्स का होता है, जो कि इस एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा इस एयरक्राफ्ट को स्की जंप वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनसे टेक ऑफ करने के लिए, जैसा कि हमारा INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत है। साथ ही साथ जो फ्यूल इकोनॉमी है इस इंजन की वो भी काफ़ी अच्छी है। तो प्राइस के ज़रिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रफाल से सस्ता पड़ता है। तो अगर बेस प्राइस की बात करें एयरक्राफ्ट की तो वो अराउंड 66 से 70 मिलियन डॉलर्स की है। वहीं पर रफाल की बात करें तो रफाल का कॉस्ट 2013 में करीबन 97 मिलियन डॉलर्स का था, और अब ये जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया होगा। साथ ही साथ जो F4 वर्जन है वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा महंगा आने वाला है। तो आप कितना भी ऑर्डर दे दें ये उस कॉस्ट को टच नहीं कर पाएगा जो कि F-18 ब्लॉक 3 ऑफर कर रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि अब तक 600 के ऊपर F-18 सुपर हॉर्नेट्स बनाए जा चुके हैं, वही रफाल की बात करें तो वो खाली 200 के ऊपर बने हैं। तो जो कॉस्ट है पर यूनिट एयरक्राफ्ट वो डेफिनेटली ज़्यादा होने वाला है F-18 सुपर हॉर्नेट से। बाकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर पड़ता है F-18 सुपर हॉर्नेट का, वो वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट में से एक है। वहाँ पर भी F-18 सुपर हॉर्नेट को एडवांटेज है रफाल के ऊपर। साथ ही साथ जो कॉकपिट है FA-18 ब्लॉक 3 का, वो लार्ज एरिया डिस्प्ले को यूज़ करता है, जहाँ पर जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल कर सामने आती है। साथ ही साथ F-18 के जो विंग्स हैं वो फोल्ड होते हैं, जो कि एक अच्छा खासा एडवांटेज देते हैं F-18 को रफाल के ऊपर। अगर कंसिडर किया जाए उन्हें इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना है जो कि साइज़ में छोटे हैं। साथ ही साथ FA-18 सुपर हॉर्नेट ने अपना स्की जंप ट्रायल जो है वो पूरा किया है और अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ किया है। वहीं पर रफाल में ये चीज़ कही जा रही है पर अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं हुए हैं जहां पर स्की जंप करके उसने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ किया हो। तो जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है वो करीबन 24 के नंबर में FA-18 सुपर हॉर्नेट्स को ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ वो EA-18G ग्राउलर्स को भी ऑपरेट करते हैं, और फ्यूचर के लिए एक लॉयल विंगमैन को बना रहे हैं बोइंग के साथ मिलकर। तो बेका के साइन हो जाने के बाद भारत अमेरिका की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से यूज़ कर सकता है, और क्वाड में अगर देखा जाए तो अमेरिकन वेपन्स के साथ ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन बेटर होगा, क्योंकि क्वाड की 3 कंट्रियाँ फिर एक जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही होंगी। बाकी जब वेपन्स और स्पेयर्स की बात आती है तो इंजन डेफिनेटली जो यूज़ हो रहा है F-18 सुपर हॉर्नेट में वो हमारे फ्यूचर TBF में भी यूज़ होगा, तो वो जो है एक एडवांटेज देने वाला है FA-18 सुपर हॉर्नेट को। साथ ही साथ वेपन्स की जब बात आती है तो ये चीज़ कही जाती है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट वेपन्स लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट में अंतर नहीं आने वाला है। तो ओवरऑल F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जो है वो काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है अगर छोटे नंबर में एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए प्लान किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरह हम भी 24-25 एयरक्राफ्ट को ले सकते हैं और अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल इसे रफाल से कंपेयर किया जाए तो 19-20 का अंतर है, रफाल 20 है ये 19 है। जो कंपेरिजन है उसको अगले वीडियो में कर देंगे। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।